हिमाचल में 19 जून को कैबिनेट मीटिंग। नए भर्ती आयोग पर हो सकता है फैसला, नौकरियों का पिटारा खुलने की संभावना। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 19 जून को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग GAD ने सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष को आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए विभागों से एजेंडा भेजने को कह दिया गया है। पूर्व में यह मीटिंग 18 जून यानी रविवार को निर्धारित थी, अब इसमें बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग में नए भर्ती आयोग को लेकर कोई निर्णय हो सकता है। कैबिनेट मीटिंग से दो दिन पहले 17 जून को भर्ती एजेंसी के गठन को रिटायर IAS दीपक सानन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की भी बैठक होनी है। माना जा रहा है कि दीपक सानन कमेटी इसी दिन सरकार को नए आयोग के गठन को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ऐसा हुआ तो 19 जून की कैबिनेट में नए चयन आयोग का फैसला हो सकता है। अप्रैल में सरकार ने आयोग किया था भंग। इससे पहले अप्रैल महीने में राज्य सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को यहां व्याप्त भ्रष्टाचार को देखते हुए भंग कर दिया था। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को भी मंजूरी के लिए लाया जा सकता है।